Hello to everyone, this is Mukul Sharma, welcome to my channel. So guys, this video is all about that being a sorting assistant, मैं कैसे अपना पूरा दिन का schedule manage करता हूँ और कैसे मेरी एक ड्यूटी से लेकर जो नेक्स्ट ड्यूटी है उसके बीच का जो टाइम है कैसे आई स्पेंड, क्योंकि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि यार हमें यहाँ पढ़ाई का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, या हमारे कोई आर्टिस्टिक एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व हैं, या हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या हम किसी दूसरे फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, तो हमें वो टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा या नहीं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ कि कैसे मैं अपनी मतलब बेसिकली एक व्लॉग वीडियो है, तो मैं आपको पूरा टाइम के साथ दिखाता रहूँगा कि किस टाइम में क्या कर रहा हूँ। तो जैसे कि अभी टाइम हो रहा है 1:15, तो अभी मैं जिम में आया हूँ और ये जो मेरे फ्रेंड का है, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि यार तेरी ड्यूटी नाइट ड्यूटी रहती है, तो तू एक काम कर, रात को तू वर्कआउट करने के लिए आ नहीं पाएगा, तो दोपहर में आ जाएगा, यहाँ पर कोई होता भी नहीं जिम में, अपने जिम की चाबी अपने पास रख, वर्कआउट कर, जिम को बढ़ा और अपना घर निकल जाओ अपने ऑफिस, और चाबी मैं तेरे घर से उठा लूँगा। तो दिस इज़ द रूटीन बेसिकली। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं अभी 1-2 सेट ले लेता हूँ, मैं अपना वार्म करता हूँ, 1-2 सेट लेने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ और पूरा रूटीन आपको समझाऊँगा कि कैसे मेरी ड्यूटी ऑफ हुई थी, फिर कैसे मेरी ड्यूटी ऑन होगी। जैसे आज शाम को मुझे ड्यूटी पे जाना है, शाम को 6 बजे के आसपास मेरी रिपोर्टिंग होगी। अभी 1:15 हो रहा है, वर्कआउट करके हम अपना जाएंगे घर पे, मील वगैरह लेंगे, एंड आई विल स्लेप फॉर गुड 2 to 3 आवर्स। उसके बाद मैं सीधा ड्यूटी पे जाऊँगा, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, बट अभी के लिए मैं 1-2 सेट ले लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि पिछली ड्यूटी से लेकर अभी तक का मेरा रूटीन कैसा रहा था और क्या क्या मैंने वहाँ पर काम करा। आज मेरा बैक वर्कआउट है, तो अभी मेरा वार्म कंप्लीट हो गया है। अभी एक सेट में लेट पुल डाउन कर लूँगा, उसके बाद अपना मेन सेट स्टार्ट करूँगा। सांस भी चढ़ गई, बढ़िया। तो अपना मेन सेट स्टार्ट करूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो पहली ड्यूटी मेरी ऑफ हुई थी, वहाँ से लेके अब तक का मेरा क्या क्या रूटीन था। तो पहले एक सेट और ले लूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। बन रही है इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हो कि मैं वर्कआउट की भी लंबी वीडियोस दूं, तो नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको वर्कआउट नहीं देखना है, यू जस्ट वांट कि मैं शॉर्टिंग असिस्टेंट की सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ही आप तक दूं, तो वो भी आप मेरे को बता दीजिएगा। तो जैसी भी आप लोगों की डिमांड होगी वैसी मेरी तरफ से सप्लाई भी होगी। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लेना, ताकि कोई भी मेरी तरफ से वीडियो आएगी वो आप तक मिल जाए। एंड फटाफट एक सेट लेते हैं, फिर थोड़ा सा 2 मिनट का रेस्ट लेंगे, उसमें आपसे बात करेंगे कि कैसी मेरी लास्ट ड्यूटी से लेकर अब तक का ड्यूटी का मैंने अपना टाइम स्पेंड किया था। तो यार हम बात कर रहे थे अब कि जैसे लास्ट ड्यूटी जो मेरी ख़त्म हुई थी, मैं कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30-6:45 तक मैं अपने घर पे आ गया था, क्योंकि वैसे जो टाइमिंग है शाम को 6 बजे से लेके अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब नेक्स्ट डे 6:45 तक टाइम होता है, लेकिन जो काम ख़त्म होता है वो 5:30, 5, बहुत बार 5:45 तक ख़त्म हो जाता है। तो जैसे कल जो मेरा काम ख़त्म हुआ था 5:45 बजे ख़त्म हुआ था, और 6:30, 6:20 तक मैं अपने घर पे आ गया था। आके मैंने अपना मील लिया एंड आई स्लेप्ट फॉर गुड 6 to 7 आवर्स, और मैं कुछ 1-1:30 बजे के आसपास उठा था। देन 1-1:30 बजे के आसपास उठ के मैंने अपना लंच वगैरह करा। लंच वगैरह करने के बाद अब यहाँ पे मेरे को 2 से 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, क्योंकि मैं अभी सो के उठा हूँ एंड आई एम फीलिंग फ्रेश। तो जो भी आपको काम करना है, पढ़ाई करनी है, जो भी आपका रूटीन है, या आप किसी एक पर्टिकुलर भी आपको अपना काम करना है, पढ़ाई करनी है, या किसी एक पर्टिकुलर स्किल को आप गेन कर रहे हो, है ना, किसी भी एक अपने किसी स्पोर्ट्स में हो या किसी आर्टिस्टिक एक्टिविटी में हो, तो यू कैन पॉलिश दैट थिंग इन दीज 2 to 3 आवर्स। फिर अपना 2-2.5 घंटे का स्लॉट लेने के बाद अब शाम को 5:30 बजे मतलब जो मैंने किया था मैं आपको वो बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यू कैन चेंज दैट थिंग कि अगर आपको वो टाइम किसी और जगह इन्वेस्ट करना है तो यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम। अब जैसे शाम को मैंने अपना मील लेके मतलब प्री वर्कआउट मील लिया और मैं अपना जिम आ गया था। शाम को मैंने जो वर्कआउट किया था डेट वॉज 6:30-6:45 के आसपास मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, और 35-40 मिनट मेरा वर्कआउट खत्म हो गया। 8 बजे मैं अपने घर पर था। 8 बजे के बाद मैंने अपना डिनर वगैरह करा, तो 9:30 तक मैं फ्री हो गया डिनर वगैरह करने के बाद। अब यहाँ पे 1-1.5 घंटे का स्लॉट मेरे पास हो रहा है, क्योंकि रात को 10:30-11 के आसपास मेरे को नींद आने लगती है। तो मैंने अपना मैंने अपना डिनर करा, डिनर करने के बाद आई स्लेप्ट। और अब जैसे कि मैं जल्दी सोया हूँ रात को, तो सुबह मेरी 6:30 पौने 7 के आसपास मेरी आँख खुल गई थी। अब सुबह ये लगा लो 6:30 या फिर 7 से लेके अब मेरे पास 12:30 या 12 के आसपास का मेरा टाइम है। पूरे 5 घंटे मेरे पास है। अब इस 5 घंटे में आपको कोई एग्ज़ाम टारगेट करना है, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या किसी बैंक पीओ या किसी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास एनफ टाइम है। जो भी आपको कंटेंट पढ़ना है आप आराम से यू कैन मेक योर रूटीन कि आप यहाँ पे 5 घंटे आराम से निकाल सकते हो। तो अब जैसे कि 1:15 हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए आ गया, क्योंकि मैं सुबह से जो मेरा काम करना है, जिस अपने एम पे मैं फोकस करूँ, मैंने अपना वो काम किया 4-5 घंटे। फिर उसके बाद मैं अपने जिम में आ गया हूँ। तो जिम से अब आगे का जो रूटीन है वो व्लॉग की फॉर्म में आपको शूट कर रहा हूँ, तो वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि अगर मैं प्रीवियस डे की बात करता हूँ, तो वहाँ पर मेरे को 2.5 घंटे मेरे को दोपहर मिले थे पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद रात को मेरे को 1.5 घंटा मिला था, और बीच में मतलब 4:30 साढ़े 5 बजे के आसपास मेरे को 1 घंटा मिला था। तो 2 और 1 3 और 4.5 घंटे मेरे को कल मिले थे, और आज मेरे को स्ट्रेट 5 घंटे के आसपास मिले हैं। तो ऑन एंड ऑल अगर मैं बात करता हूँ, तो रोज़ आप 5 से 6 घंटे आराम से पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो, जिसमें कि मैं देखो वर्कआउट भी कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप किसी और फील्ड में एक्टिव हो, तो आप वो भी यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट थिंग। तो अगर मान लो कि बंदा फिटनेस वगैरह में नहीं है, वर्कआउट वगैरह नहीं करता, तो यहाँ से उसका 1-1.5 घंटा बच जाएगा आराम से। आने जाने का जो मील्स ले रहा है उसका टाइम बच जाएगा। तो ये 6 घंटे की पढ़ाई या फिर 5.5 घंटे की पढ़ाई आपकी 7 घंटे साढ़े 6 घंटे तक भी आराम से पहुँच जाएगी। इसी वजह से यार जिन लोगों का गोल होता है कि आगे कोई बड़ा एग्जाम टारगेट करना है या किसी और फील्ड में ग्रो करना है, तो शॉर्टिंग असिस्टेंट में इसी वजह से दे चूज शॉर्टिंग असिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आराम से टाइम रोज़ का 6-5 घंटे आराम से निकल जाते हैं। तो अब हम यार अपना बाकी का वर्कआउट पूरा करते हैं। अब वर्कआउट क्लिप्स में ऐड नहीं कर रहा कुछ, अगर मेरे दिमाग में कुछ बात आएगी तो मैं बीच में वीडियो रोक के आई विल टॉक टू यू, अदरवाइज सीधा आपको घर पे मिलूँगा मैं। तो मैं बाकी के सेट कंप्लीट करता हूँ, मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट क्लिप में। तो जैसे कि यार मैं भी आप लोगों से बात कर रहा था कि कभी वर्कआउट ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो वो किस हिसाब से होता है। जैसे कि कल जब मैं ड्यूटी से वापस आया था, तो मेरा जो काम था वो 5:30 पौने 6 के आसपास निपट गया था। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि 6:15 बन जाता है काम करते करते। तो उसका रीज़न ये होता है कि सपोज़ आज की छुट्टी है, मतलब आपका कोई गजटेड हॉलीडे पड़ा, तो आज के दिन स्पीड पोस्ट तो बुक होंगे नहीं, ना ही कोई पार्सल बुक होगा। तो जब पार्सल और स्पीड पोस्ट बुक नहीं हो रहे तो हमारे पास भी नहीं आएंगे। तो इसकी वजह से वर्कआउट थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा नहीं यार मतलब बहुत कम हो जाता है। जैसे कि मान लो संडे को छुट्टी रहती है, तो स्पीड पोस्ट वगैरह इतने मतलब पोस्ट ऑफिस की छुट्टी रहती है, तो स्पीड पोस्ट इतने बुक नहीं हो पाते। तो मंडे और ट्यूसडे वर्कलोड थोड़ा सा कम रहेगा, हमारा जो काम है जो नाइट शिफ्ट वाले हैं वो 4:30 पौने 5 से निपट जाता है। लेकिन वेडनेसडे से लेके सैटरडे संडे तक वर्कलोड इतना ज़्यादा आता है कि ट्रेन से माल आता है हमारा, तो ट्रेन से जो भी हमारा मेल आएगी वो रात को 2:30 बजे 3 बजे इतने बजे आती है। तो इसलिए काम ना सुबह 5:30 6 तक खिंच जाता है बहुत बार। लेकिन मंडे ट्यूसडे के आसपास जनरली ये देखा गया है कि यार काम बहुत कम रहता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि वर्कलोड ज़्यादा और कम किस हिसाब से होता है आरएमएस में। बीइंग अ शॉर्टिंग असिस्टेंट आपके ऊपर कितना वर्कलोड आ जाता है, वो वर्कलोड आपके पार्सल बुकिंग के ऊपर होता है। तो जब भी छुट्टी होगी तो मेक श्योर नहीं जो नेक्स्ट के 2 दिन होंगे आपके वहाँ पे वर्कलोड आपका कम होगा। लेकिन जब पार्सल की अच्छी बुकिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो सुबह के ये मान लो कि आपको 6-6:30 बजे जाएंगे। बहुत बार जैसे मान लो पार्सल में क्या होता है, बड़े बड़े आइटम्स होते हैं, तो वहाँ पे आपके 6:30 पौने 7 भी बच जाते हैं कि कोई आर्टिकल मिसिंग हो गया, कोई दिक्कत हो गई। वैसे तो यार सारे बीइंग अ टीम वर्क सब लोग एज अ टीम काम करते हैं, तो काम अच्छे से निपटा देते हैं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा सीन नहीं कि यार तू इतना आर्टिकल स्कैन करेगा फिर तू इतना आर्टिकल शॉर्ट करेगा। सारे एज अ टीम वर्क काम करते हैं, तो काम जल्दी निपट जाता है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन थी। वर्कआउट मेरा बस खत्म होने वाला है, अभी घर चलते हैं, घर चल के आप लोगों से मिलते हैं, बाय। तो गाइस जिम से मैं आ गया था 2-2:15 के आसपास। दैन मैंने आके अपना लंच वगैरह किया, और उसके बाद मेरे को 1-2 काम आ गए थे, मैं आई वॉज बिजी इन दैट वर्क। तो उसके बाद यार मेरे को सोने का इतना टाइम मिला नहीं, और वैसे भी इतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं मेरे को सोने की, बट फिर भी 15-20 मिनट की मैंने नैप ली। और अभी टाइम हो रहा है 5:45। वैसे रिपोर्टिंग 6 बजे की होती है, बट अगर आप 15-20 मिनट लेट हो जाते हो तो कोई इशू नहीं है। तो यार अभी बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, फटाफट अपनी कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं और निकलते हैं। अब मैं सीधा आपसे बात करूँगा ऑफिस पहुँच के, अगर मेरे को टाइम मिलता है तो। और बीच बीच में जो भी क्लिप्स होंगी एज अ व्लॉग मैं आपको सब कुछ दिखाता रहूँगा, बट ऑफिस के अंदर शायद मैं आपको ना दिखा पाऊँ, क्योंकि यार सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस होता है तो दिखाना इज़ नॉट अलाउड। फिर भी जितना होगा आई विल ट्राई टू शो यू कि किस तरह का काम हो रहा है, बीच में कितने ब्रेक हो रहे हैं और कितना वर्कलोड है कितना नहीं है। तो बने रहिए इस चैनल पर, और मैं फटाफट निकलता हूँ यहाँ से, यार नहीं तो यार फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा मैं। ठीक है, फिर मिलता हूँ ऑफिस पहुँच के, बाय। तो गाइस अभी टाइम हो रखा है 10:30, और मैं यहाँ पे आज पहुँच गया था 6:45। थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि रास्ते में काफ़ी जाम वगैरह था। आई होप आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी, अगर ना आ रही हो तो हेडफोन लगा लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा तेज बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि सामने हेड शोल्डर बैठे हुए हैं और वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है। मैं जस्ट बैठा हूँ ताकि आपको ज़्यादा व्यू दिखे ना, तो बस इतना ही देख लो जितना आपको पीछे दिख रहा है। शॉर्टिंग पिजन होल्स होते हैं जिसमें हम अपना लेटर वगैरह शॉर्ट करते हैं। तो 6:45 में आया था। 6:45 आने के बाद सीधा मैं काम करने लग गया बिकॉज जो हमारे हेड हैं SRM वो राउंड पे थे, तो जो भी था काम वगैरह स्टार्ट हो गए थे जल्दी। तो अब क्या सीन होता है, जैसे मैं आपको वर्कलोड का बता रहा था, तो हमेशा क्या होता है कि RMS में स्टार्टिंग में तो वर्कलोड नहीं आएगा। जैसे अभी ना मतलब 10 बजे हमारा लंच वो डिनर स्टार्ट होता है, तो 10 तक इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं था। सब धीरे धीरे अपना स्कैनिंग में लगे हुए क्योंकि इतना ज़्यादा मेल नहीं पड़ा। लेकिन अब 9:30 बजे गाड़ी आना स्टार्ट हो गई थी, फिर 11:30 12 रात के 2:30 3 बजे तक ऐसी गाड़ी आएंगी। तो बीच का जो टाइम होता है ना मतलब 11 से 2 2:30 3 बजे के आसपास का, वहाँ पर थोड़ा वर्कआउट बढ़ता है। तो मेन जो काम है वो उन 4-5 घंटे में होता है। बस 4-5 घंटे में सारा निपटने के बाद बस सारा जो भी आपका आर्टिकल वगैरह इनको डिस्कस कराना होता है, जो कि फिर बाकी यार स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पूरा एक टीम वर्क अच्छे से उनके बीच में तालमेल बना हुआ तो सुबह आपका 5:30 पौने 6 तक ये सारा डिस्पैच हो जाता है। बाकी आज देखते हैं कितने बजे तक डिस्पैच होगा। और टुडे आई एम प्लानिंग ऑल्सो कि मैं शॉर्टिंग भी करूँ आर्टिकल्स की। अभी तो मैं स्कैनिंग पे बैठा हूँ, तो अभी एक ब्रेक चल रहा है 10 से 11 बजे तक, 10:30 अभी हो गए। मैंने अपना डिनर ले लिया है, थोड़ा वॉक करके आता हूँ। और रात को अभी 2 से 2:30 के बीच में भी एक ब्रेक हो रहेगा। तो इफ़ आई विल गेट टाइम देन डेफिनेटली आई रिकॉर्ड ए वीडियो एट दैट टाइम ऑल्सो। तो तब भी मैं आपको दिखा दूँगा कैसा क्या माहौल रहता है। तो अभी बाहर चलते हैं, बाहर का थोड़ा सा माहौल दिखाता हूँ रात वाला कैसा है। तो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लिप में। तो यार मैं बाहर आ गया हूँ। ये मेरा ऑफिस का आउटर कॉम्प्लेक्स रीजन है, यहाँ पीछे SR ऑफिस है। और मतलब माहौल काफ़ी ठीक है, मतलब यहाँ पे रात का जो माहौल है काफ़ी टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडा टेम्परेचर है, हवा बहुत बढ़िया हवा चल रही है। और रात को जॉब करने का एडवांटेज यही होता है कि आपको ज़्यादा सफोकेशन और गर्मी महसूस नहीं होती। और अभी मैंने डिनर किया है तो मैं थोड़ा वॉक करके आता हूँ बाहर, बाकी यही है। और अभी फिर क्योंकि अभी इसके बाद जो ब्रेक आएगा वो 2 से 2:30 बजे के बीच में आएगा, तो यानी कि 3 घंटे का तो लगातार काम करना है। तो थोड़ा वो कर लेते हैं, थोड़ा सा अपना रिलैक्स करते हैं, स्ट्रेच करते हैं और देखते हैं सुबह तक कितने बजे तक ये काम खत्म होगा। जैसा भी होगा आई विल शो यू कि कितने बजे सारा मेल डिस्पैच हो रहा है। अंदर से तो वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि अभी मतलब वैसे मैंने किसी से पूछा भी नहीं है, बट हाँ यह कि फालतू कोई घटड़बाजी हो तो उससे पहले ना ही शूट करो, ज़्यादा अच्छा है। तो और ज़्यादा कुछ अंदर दिखाने के लिए से है भी नहीं, है ना। नॉर्मल वही काम वगैरह होता है जो मैंने आपको पिछली क्लिप में दिखाया था ना, पिजन होल वगैरह वो बॉक्स वगैरह बने होते हैं, बस यही और कंप्यूटर रखे होते हैं स्कैनिंग करने के लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं यहाँ पे। तो ठीक है यार, फिर मैं थोड़ा वॉक करता हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लिप में, बाय। तो भाई शिफ्ट ओवर हो चुकी है और अभी एग्जैक्ट 6 बजे हुए। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ऑलमोस्ट काम 6 बजे के आसपास निपट जाता है। तो अभी जैसे कि रात हैवी वर्कलोड था, तो हैवी वर्कलोड होने के बाद भी काम हमने 6 बजे निपटा दिया। वैसे जो ये शिफ्ट चलती है 6:45 तक चलती है, बट 45 मिनट पहले काम निपट गया है। और कुछ लोग तो 5:30 सवा 5 के आसपास भी फ्री हो गए थे, जो लोग शॉर्टिंग पे थे। तो यही यार RMS में स्टार्टिंग के 2-3 घंटे काम नहीं आता, फिर बीच का जो 12 से 3-4 बजे तक, 3-4 नहीं इनफैक्ट एंड तक का 5:30 बजे तक का जो टाइम होता है वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है, क्योंकि मेल आती रहती है, शॉर्टिंग होती रहती है और डिस्पैचिंग भी होती रहती है। ये मैं आपको जो टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहा हूँ ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में दिखा दूँगा, बता दूँगा अच्छे से कि किस तरीके से काम होता है। तो ऑन एंड ऑल यार यही है, काम खत्म होता है तो बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि जब आप एक हेक्टिक शेड्यूल के बाद आपके दिमाग में होता है कि आप घर जाके सोने वाले हो, एक बढ़िया स्लिप लेने वाले हो, तो एक वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है कि हाँ तुमने एक पहाड़ पूरा मतलब ऊपर तक पहुँचे हो, अब नाउ यू हैव अचीव समथिंग। अब आप घर जाके आपको बोनस में एक स्लिप मिलेगी। तो अब यही है। अब जैसे कि यार मैंने आपसे पिछली ड्यूटी से लेके इस ड्यूटी तक का पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो चुका है, पूरा मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी कभी मौका लगेगा तो कैसे बीच में जो छुट्टियाँ पड़ती हैं, वीकली ऑफ पड़ता है या फिर जो पोस्टल हॉलीडे पड़ता है, उसकी मतलब एक पोस्टल या फिर एक वीकली लगाने की वजह से कैसे 3 दिन की छुट्टियाँ हमारे अंडर में आ जाती है, मतलब 3 दिन तक हमें ऑफिस नहीं जाना पड़ता, वो सभी मैं आपको दिखाऊंगा। और सैलरी स्लिप भी मेरी जनरेट हो गई है, सैलरी स्लिप के ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। तो अभी यार जल्दी से घर चलते हैं क्योंकि बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे को ड्राइव करके भी जाना है, 20-25 मिनट का ड्राइव भी होगा। तो घर जाके मिलते हैं, अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव बात हुई मेरे दिमाग में तो मैं आपको घर पे जाके बताऊंगा, अदरवाइज़ बाय बाय कर देंगे। चलो ठीक है यार, फिर चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे घर पे, बाय। से भी टाइम हो रखा है 8 और मैं 6:45 के आसपास मैं अपने घर पर आ गया था और आने में थोड़ा लेट हो गया था बिकॉज आते टाइम मेरे को अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाना था, तो पेट्रोल पंप पे थोड़ा रश था। और अभी जो टाइम हो रखा है ये मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम है और ब्रेकफास्ट करने के बाद आई विल स्लीप फॉर 6 to 7 आवर्स। और ये वही टाइम लाइन है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझाई थी कि जब मैं अपनी ड्यूटी से वापस आता हूँ तो कैसे मेरा अपना पूरा रूटीन रहता है। तो अब आपको पूरा एक रोस्टर समझ आ गया होगा कि ड्यूटी साइन ऑफ से लेकर ड्यूटी साइन ऑन तक कैसे कैसे कितना कितना टाइम मिलता है किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, फिर पढ़ाई करने के लिए। तो आई होप मैं आपको एक अच्छे से समझा पाऊँगा कि किस तरीके से कितना टाइम आपको मिलेगा इस जॉब में। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और वीडियो की डिमांड है तो वो भी आप नीचे लिख सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शूट दैट वीडियो ऑल्सो। तो ठीक है यार, ये फिर इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।